नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, फिर एक नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, खासकर जो लोग हिंदू हैं, हिंदू भाइयों के लिए आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, आज हम बताएंगे कि घर में अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए, क्या इसके फायदे होते हैं। यदि आप भी अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, क्या उनका आपको लाभ मिल रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? यदि आप नहीं जलाते हैं तो आज से जलाना शुरू कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, अखंड ज्योत क्यों जलानी चाहिए, इसके महत्व, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या चमत्कार हमारे साथ होते हैं, ये सभी बातें हम आज इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि पूरी जानकारी आपको मालूम हो। देखिए प्रिय दर्शकों, अखंड ज्योत जीवन का स्रोत होता है। अखंड ज्योत माता रानी की कृपा पाने के लिए भी जलाई जाती है। यदि आप नवरात्रा में अखंड ज्योत जलाते हैं, 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं, तो इससे माता रानी बहुत खुश होती है, अच्छी कृपा आप पे करती है। जितनी भी आप पर नकारात्मक जो शक्तियां का प्रभाव होता है, आपके आपके परिवार पे, घर पे, मवेशियों पे, वो सभी प्रकार के दूर होते हैं और माता रानी अपनी सदैव कृपा आप पे करती है। अखंड ज्योत जलाने का विधि विधान होता है। यदि आप वैसे ही साधारण अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। यदि आप संकल्प लेके अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता है। संकल्प लेने का एक छोटा सा तरीका होता है। सबसे पहले तो आप जिस किसी देवी देवता के नाम से अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं उसका ध्यान कीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद उसका ध्यान करें, एक पात्र में पानी ले, चावल ले, अपने हाथों में पानी लेकर के उस देवी देवता का ध्यान करें जिसके नाम से आप अखंड ज्योत अपने घर में जलाना चाहते हैं। उसका ध्यान करें, उनका बीज मंत्र का जाप करें, उसके बाद ये निश्चय करें कि मैं इतने दिन के लिए अखंड ज्योत आपके नाम से जलाना चाहता हूं। किस कार्य के लिए आप जलाना चाहते हैं उस कार्य का विवरण करें, उसके बाद उस पानी को जमीन पर छोड़ दें। यह आपका संकल्प हुआ। अब उसी संकल्प के आधार पर आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। अखंड ज्योत जीवन का स्रोत होता है, सभी नकारात्मक शक्तियां उससे दूर होती हैं, प्रकाश होता है, प्रकाश यानी ज्ञान, ज्ञान का भंडार होता है अखंड ज्योत। यदि आप किसी भी कार्य में असफल हो रहे हैं, यदि आप किसी भी कार्य में असफल होते जा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। ज्ञान का स्रोत होता है अखंड ज्योत, प्रकाश का स्रोत होता है अखंड ज्योत, प्रकाश यानी ज्ञान होता है। जब आपको प्रकाश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। किसी भी कार्य में यदि आप असफल होते जा रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। आज से ही आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। आपको यह निश्चय करना है कि आप कितने दिन के लिए अखंड ज्योत जला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप नवरात्रा में करें, नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। इस संकल्प को आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सर्व कार्य सिद्ध आपके होंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप कोई भी कार्य करें, किसी भी प्रकार का कार्य करें। जिस कार्य की आपको जानकारी नहीं है उसका ज्ञान आपके अंदर उमड़ने लगेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हासिल होगी, वो किसी भी तरीके से हो, ये माता रानी जाने या परमात्मा जाने, मगर आपको उस चीज का ज्ञान संपूर्ण होगा और उसमें कामयाबी के बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं। यदि आपकी अखंड ज्योत बीच में भुज जाती है तो उसके लिए क्या किया जाए? कभी कभी बार ऐसा होता है कि हमारी अखंड ज्योत बुझ जाती है। ऐसी स्थिति में आप जिस भी देवी देवता के नाम से आपने प्रज्वलित की है अखंड ज्योत, उसका ध्यान करें, उससे क्षमा याचना करें, मंत्र का जाप करें, नवान मंत्र का जाप करें, क्षमा याचना करें, उसके बाद आप फिर से अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव आपके आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। देखिए, नमाण मंत्र हम आपको बता नहीं सकते वीडियो में,
इसको बोलने से इसकी सिद्धि समाप्त होने का खतरा होता है। दूसरा, किस पात्र में जलाएं? यदि आप पीतल के पात्र में जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ माना जाता है पीतल के पात्र में अखंड ज्योति जलाना। यदि आप गरीब हैं, पीतल का पात्र नहीं खरीद सकते, तो मिट्टी का पात्र में आप जला सकते हैं। इसके बाद कई लोगों का यह सवाल होता है कि दीपक का मुंह कौन सी दिशा में किया जाए। यदि आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो इसे तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त के लिए किया जाता है। पूर्व दिशा की ओर दीपक का मुख रखने से आप तंत्र मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी सिद्धि प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की सिद्धि पाने के लिए आप पूर्व दिशा की ओर दीपक का मुख रखें। यदि आप धन प्राप्ति, वृद्धि, बुद्धि, ज्ञान चाहते हैं, बुद्धि, प्रकाश, ज्ञान, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो पश्चिम दिशा की ओर मुख रखें। प्रिय दर्शकों, नियम अनुसार यदि आप करते हैं तो आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। आप इसे किसी भी वार से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी शुभ नक्षत्र में आप इसको शुरू कर सकते हैं। करने से पहले आपको दृढ़ संकल्प लेना है। यदि आप कितने महीने के लिए करना चाहते हैं वो आप संकल्प करें। यदि आप संकल्प नहीं करते तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप संकल्प से काम करते हैं तो आपको जरूर, बिल्कुल हम लिख के दे सकते हैं, हम गारंटी दे सकते हैं, आपको इसका जरूर लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जी नमस्कार, धन्यवाद।